और सामने देख सकते हो केदारनाथ बाबा का जो है धाम बना हुआ है, काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और ये था अपना केदारनाथ मंदिर, और बाहर से और अंदर से ऐसा लग रहा होगा कि ये पूरा ईंटे से बना है, लेकिन पूरा जो है कपड़ा का है। जो अभी ठेला उला लगाए होंगे तो पूरा पानी में बह गया होगा। तो ओम गणेशाय नमः। तो यार गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, और आज की इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ केदारनाथ। तो डर मत जाना, असली में केदारनाथ नहीं जा रहा हूँ, हमारे श्री राम चौक में जो है केदारनाथ जी का पंडाल बना हुआ और उसमें हमारे गणपति जी विराजमान है। तो इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ टाइम लैप्स के साथ। तो घर से निकलते कुछ दूर चलते मेरे को याद आया, तो अभी जो है इस वीडियो में बने रहे, हम चलते श्री राम चौक में और आपको पूरा पंडाल का एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे और भी वीडियोस आएंगी। तो यार ये मैं श्री राम चौक पहुंच चुका हूं। तो श्री राम चौक जो है उधर है, और इसको एडना चौक बोलते हैं अभी के लिए। और सामने देख सकते हो केदारनाथ बाबा का जो है धाम बना हुआ है, काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और वहां पर जो है मेला लगा हुआ, और ये देखो ये जब बनाया गया है चलने के लिए यहाँ पे, और पूरा जो है सजाया गया है ग्राउंड को, देखो वहां से लेके पूरा ऐसे वहां तक। यहाँ पर भी कुछ कुछ लगे हुए हैं दुकान, और बाकी जो ये पूरा है ना, पूरा कीचड़ कीचड़ है। ओ वाह, लाइट चालू हो गई, हम लोग आए तो यहाँ पे, और वहाँ पे देखो झूला वगैरह है। और ये जो है यहाँ गणेश चतुर्थी का जो है घूमने जाने का पहला व्लॉग है, तो और भी अभी आएंगे लगातार इसके बाद से। तो ज़रूर ज़रूर हो सबको भी चेक करना, तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लो। और शायद तक आज का जो ये वीडियो होगा सुबह होगा, तो 100 जो है वीडियो के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो उसको ज़रूर देखना। मगर कचड़ा है अभी, हाँ, और पूरा दलदल वगैरह है। पहले गुफा वगैरह बनता था, अब नहीं बनता है। नहीं, वहाँ पर पूरा पार्क वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ शायद रास्ता आता ही रह गया यहाँ का। ओ भाई, और सामने आपके हमारे केदारनाथ बाबा जी का धाम है, देखो बहुत अच्छा बनाया गया है इस बार, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। देख सकते हो यहाँ पे बाजू में भी पूरा वो वगैरह है, लेकिन ये देखो मंदिर क्या दिख रहा है यार। अभी इसका फोटो वगैरह लेंगे, और आज जो है मैं वो वाइड एंगल में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वाइड एंगल में करता तो थोड़ा अजीब हो जाता। सामने जो है गाना बज रहा है, देखो क्या लग रहा है। तो अंदर चलते हैं, अभी जूता उतार के यहाँ पे, तो यहाँ जो है चढ़ने के लिए अच्छा दिया गया यहाँ पे। और ये पूरा देख सकते हो काफी ज्यादा सुंदर बना है, और अंदर में जहाँ तक आवाज सारी आएगी तो मैं वॉइस ओवर दूंगा। तो यार ये मैं अंदर आ चुका हूँ, और बाहर में काफी ज्यादा शोर था क्योंकि ये गाने बज रहे थे। और ये देख सकते हो आप, काफी ज्यादा सुंदर बना हुआ है अंदर का पंडाल, जितना बाहर से है उतना ही अंदर से भी है। और हर जगह जो है शंकर जी की तस्वीरें छपी हुई है, सामने में हमारे गणपति जी कितने सुंदर लग रहे हैं देख सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट में को बहुत अच्छा लग रहा था, और शांति मिल रहा था अंदर में, और पंडाल के भी क्या कहने क्या लग रहा था। तो इनके आप दर्शन कर लीजिए, और गणपति बप्पा मोरियल लिखना ना भूलना आप इस वीडियो के नीचे। और ये पंडाल देखो यार क्या दिख रहा है, एक तरफा मतलब बहुत सुंदर है यहाँ पर ये पंडाल बना हुआ। तो अभी और भी वीडियोस आएंगे गणपति जी के, तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। केदारनाथ मंदिर, और बाहर से और अंदर से ऐसा लग रहा होगा कि ये पूरा ईंटे से बना है, लेकिन पूरा जो है कपड़ा का है, देख सकते हो पूरा यहाँ से इसको छू के देखना, पूरा जो है कपड़े से बनाया गया है, और कपड़े से और ट्रस से, और इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि अंदर कुछ है। तो अंदर बहुत शोर था इसलिए वॉइस ओवर किया, तो अभी चलते मेला की तरफ और देखते क्या क्या है वहाँ पे। तो यहाँ से पूरा जो है रोड बना दिया गया है वहाँ जाने के लिए, और चलो सही है ऐसे करके ऐसे जाएंगे। और वहाँ से भी एक रास्ता है, लेकिन हम लोग जो है लंबा रास्ता लेके आए हैं क्योंकि आपको पूरा दिखाना था। तो अभी जो अभी ठेला उला लगाए होंगे तो पूरा पानी में बह गया होगा, तो यार क्वालिटी थोड़ा बढ़ाया जाए। और देखो तो क्वालिटी जो है चेंज हो चुकी होगी लग रहा होगा आपको, और देखो वहाँ तक पूरे दुकान लगे हुए हैं,
लेकिन जो है अभी पानी के कारण वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल, देख सकते हो पूरा दलदल और पानी वगैरह भरा हुआ है यहाँ पे। और इस तरफ भी आप देख सकते हो पूरा झूला वगैरह लगा हुआ है, तो उधर जाएंगे और पूरा देखते हैं लाइन से क्या क्या है। लेकिन यहाँ पर पूरा जो है कीचड़ वगैरह भरा हुआ है और गाना बज रहा है ना, तो क्या बोलते हैं वॉइस करने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि तेज बोलना पड़ेगा मेरे को। और पूरा देखो चाट के दुकान है उधर यार, यहाँ पे जो है पिछले बार जितना रौनक था उतना है नहीं, बहुत कम लग रहा है क्योंकि भीड़ भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन बहुत भीड़ होता था एक ज़माने में यहाँ जब झाकियाँ बनती थी तब। वहाँ से हम लोग आए यहाँ तक कुछ देखते हुए, वहाँ पर एक फ़ोन दुकान भी है और पूरा वैसी एक कैंडी शॉप है यहाँ पे, तो कुछ उतना खास नहीं है यहाँ पे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और बाकी बात आगे करते, चलो। देख सकता हूँ अपना केदारनाथ मंदिर, तो यहाँ से जो है अंकल लोग चले जाए, तो यहाँ जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। कीचड़ कीचड़ है और उतना भी इस बार भीड़ नहीं था जितना होता है, तो मैं लगता है शुरुआत में आया हूँ ना इसलिए ऐसा। चलो शुरुआत में आके व्लॉग तो बना लेते हो, थोड़ा काला लग रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना। तो यार मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारे जगह जाएंगे। आज का जो ये व्लॉग थोड़ा छोटा था तो चलो एडजस्ट कर लेना इसको भी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय।